चेक करेंगे, फिर ऊपर चेक करेंगे, फिर होती है तो ठीक है, फिर आगे आप आउटर में लेकर चेक करेंगे। अब जो है ये ऊपर प्लेन है। अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मैकेनिकली एंड पीसीबी रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप एबीसी इंस्टीट्यूट में आके आ सकते हैं। वैक्यूम किया जा रहा है, वैक्यूम करने के लिए जो सीधी लाइन है उस सिस्टम में जोड़ दी, और जो नेक्स्ट वाली है वो जोड़ दिया, वैक्यूम पंप जोड़ दी, ठीक है। हेलो गाइस, एबीसी इंस्टीट्यूट में आज जो स्टूडेंट्स हैं आप स्प्लिट एसी में लीकेज टेस्ट कर रहे हैं। अभी इसमें गैस चार्ज करेंगे, अभी इसमें प्रेशर डाल रहे हैं, पंप डाउन कर दिया है, तो पंप डाउन करने के बाद प्रेशर डाल रहे हैं। अभी देखो 300 के आसपास ये प्रेशर हो चुका है, 300 प्रेशर डालने के बाद फिर ये अपना होल्ड कर देंगे, फिर लीकेज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आउटर लीकेज फाइंड आउट करेंगे, और लीकेज मिलने के बाद लीकेज को बंद करेंगे, और फिर वैक्यूम करेंगे, फिर गैस चार्ज करेंगे। तो आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हम स्प्लिट एसी में गैस चार्ज करते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे पहले लीकेज चेक करें नट के ऊपर कि क्या पता फ्लेयर नट पे लीकेज हो, तो वन बाय वन यहाँ नटों पे लीकेज चेक करें। सही तरीके से झाग लगाओ, डब्बा रख के नीचे झाग तो बनाओ पहले बढ़िया तरीके से। अब ये नीचे चेक करेंगे, फिर ऊपर चेक करेंगे, अगर होती है तो ठीक है, फिर आगे आप आउटर में लीकेज चेक करेंगे। अब जो है ये ऊपर प्लेन नट जो इंट्रो पे होते हैं वहाँ पे लीकेज चेक कर रहे हैं, ये इंट्रो के लीकेज चेक कर रहे हैं। ये इंटर के नटों पे लीकेज दिख गया, आउटर व्हील देखिए, यहाँ पे सोप सोल्यूशन लगाया है और इंटर व्हील देख रहे हैं। तो इस तरीके से वन बाय वन अपने दोनों तरफ से लीकेज चेक करते हैं, इंडोर आउटर में, और उसके बाद आउटर में देखेंगे, फिर वैक्यूम करेंगे, फिर गैस चार्ज करेंगे। अभी इसमें इंडोर में कोई लीकेज नहीं मिला, इसलिए ये जो प्रेशर जो है ये निकाल जा रहे हैं, निकालने के बाद आउटडोर में लीकेज चेक करेंगे, ठीक है। चलो जी, हमने इंडोर की लीकेज चेक करी थी, अब आउटडोर की लीकेज चेक कर रहे हैं। यहाँ पे PSI कितने PSI प्रेशर दोगे आप? सर 300 PSI प्रेशर देंगे। अलग अलग इसलिए सिखाया जा रहा है इनको लीकेज चेक करना, इससे परफेक्टली लीकेज चेक हो जाती है। वीडियो में बने रहे आप। आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसमें लीकेज चेक करते हैं सॉफ्ट सॉल्यूशन से, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर 300 PSI प्रेशर हो चुका है, और यहाँ पे देखो कैसे स्टूडेंट प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं। आप भी आके सीख सकते हैं AC रिपेयरिंग कोर्स। आप लोगों को यहाँ पे कैसी क्लास दी जा रही है? प्रैक्टिकली मिलता आपको? देखिए स्टूडेंट कैसे वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास, पूरे आउटडोर में ऐसे ही सॉफ्ट सॉल्यूशन से स्टूडेंट लेके चेक करेंगे। अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मैकेनिकली एंड पीसीबी रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप एबीसी इंस्टीट्यूट में आके आ सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट कैसे लीकेज चेक करते हैं। लीकेज चेक करें क्या? नहीं है। सही से करो, अभी तो वही नहीं हटा। गैस पे सॉफ्ट सॉल्यूशन से स्टूडेंट ने इसमें देख सकते हैं, स्टूडेंट ने सॉफ्ट सॉल्यूशन लगा के लीकेज चेक करी, इसमें मिली तो नहीं। अभी इसमें होल्ड करके छोड़ दिया 15 मिनट के लिए, अगर 300 PSI से कम हुआ तो समझ जाएंगे कि लीकेज है इसमें, फिर दोबारा इसमें आइडेंटिफाई करेंगे लीकेज का। वैसे तो इसमें लीकेज नहीं मिली हमें, बाकी आप वीडियो में बने रहे, आपको प्रॉपर वीडियो दिखाई जाएगी इसमें कि कैसे गैस चार्ज किया जाता है। अब हम बता रहे हैं इसको वैक्यूम करना है आउटर में लीकेज थी वो बंद करने के बाद। अब इसमें वैक्यूम किया जा रहा है, वैक्यूम करने के लिए जो सीधी लाइन है वो सिस्टम में जोड़ दी, और जो लेफ्ट वाली है वो जोड़ दी अपने वैक्यूम पंप के ऊपर, ठीक है। तो वैक्यूम होगा, आधा घंटा वैक्यूम होने पर लगेगा, उसके बाद इसमें हम गैस चार्ज करें, ठीक है। और बॉल हमने दोनों खोले हुए हैं, दोनों के दोनों बॉल खुले हुए हैं।
ये अभी जो है वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, दिख रहा होगा माइनस में हमारी जो है गेज की सुई आ गई है। अब हम इसको 15 मिनट होल्ड रखेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना है आपको हमेशा, प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करना है। अभी वैक्यूम करने के बाद आधा घंटा होल्ड रखा था, इसके बाद इसमें गैस डाल दें और ऑफ कंडीशन में आपको जो 100 तक गैस डाल देनी है, 100 तक जितनी जा रही ज़्यादा। अब देखो जा रही है ना गैस, ये दिख रहा होगा लिक्विड जो है ये गैस है। अभी ये देखते हैं कितनी चली गई है, बंद करके समझ में आएगी कितनी गई है। अभी ये नियर बाय चली गई आपकी 60 के आसपास, ठीक है देखते हैं और जाती है तो जितनी ऑफ में जा रही जाने दो, 90-80 से ऊपर नहीं जाएगी, 60-70 चलेगी। अब इसको चलाएंगे और फिर देखते हैं आगे, चला के देखते हैं। चलाओ अभी आप स्प्लिट एसी भी चलाओ। अभी एसी जो ऑन हो गया, ऑन करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं गैस, R22 इसमें गैस है तो इसमें हमने 50 या 60 के आसपास प्रेशर रख के चल, अब देखते हैं कितना हुआ। आपको रिटर्न लाइन देखनी है, रिटर्न लाइन सेक्शन लाइन, जब ये चीट हो गई तो गैस शुरू हो। अभी ये हमारा हो गया 25-30 के आसपास रनिंग प्रेशर आ गया, इसका ऑन कंडीशन में 25-30 प्रेशर आ गया, जाएगा 40-50 के आसपास। एमपीए कितना चल रहे हैं? 30 हो गया। अभी इसमें हमने 35 प्रेशर कर दिया, 35 PSA प्रेशर कर दिया, R22 इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं, इसे रख के चलना है 55 के आसपास, 35 है 40 के आसपास नियर बाय पहुँचने वाला है, बस थोड़ी सी गैस हो जाएगी, इसमें गैस पूरी हो चुकी है। रिटर्न लाइन देखो ठंडी हो गई है, रिटर्न लाइन ये सेक्शन लाइन जी सर हो रही है, कैसी हो रही है सर? अभी कम है कम है, 40 आ गया प्रेशर, ठीक है। अब इसमें और डालेंगे, हमेशा सिलेंडर उल्टा करके गैस चार्ज करनी है, चाहे 3200-410 कोई भी हो, कोई सी भी कूलिंग बढ़ गई हो जी सर, 50 प्रेशर होती है सर, बार बार बढ़ती है, ताकि ओवर जो हम लिक्विड पंप में डाल रहे हैं, जो हम गैस डालते हैं वो लिक्विड पंप में डालते हैं, वो गैस पहले इसमें होल्ड होती है जी, एक्यूमुलेट होती है, धीरे धीरे उस गैस को लिक्विड से वेपर बनाता है फिर भेजता है, तो इस काम होने को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमेशा आप गैस जब डाल देना आराम से डाल देना, ये ना आपने गैस डाली एक्यूमुलेटर पूरा हो गया उसमें हमने गैस ही आगे जब गैस भेजी तो गैस ओवर ही हो गई, इसलिए रेडिंग बढ़ गई है। अभी एमपीएस जो है एसी के डेड टर्न के हिसाब से 6 MPa तक आ चुकी है, मतलब गैस हमारी पूरी हो चुकी है, रिटर्न लाइन भी ठंडी हो चुकी है और रनिंग प्रेशर हमारा 50 के आसपास आ चुका है, R22 इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं, इसके अलावा हमारी जो गैस है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से अगर आपको एसी में गैस चेक करना, लीकेज चेक करना, वैक्यूम करना, सर्विस करना, इंसुलेशन करना, पंप डाउन करना, पंपिंग चेक करना, इन्वर्टर एसी और फ्रिज के बारे में आपको सीखना है, वॉशिंग के बारे में सीखना है, तो ABC ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।